हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, हम सब ने 22 अक्टूबर 2018 की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था कि रोमन रेंस ने ये अनाउंस किया था कि उन्हें ल्यूकेमिया है, जिसके वजह से उन्हें WWE से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। उसी रात गाइस, हम सब ने देखा कि डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस ने जब टैग टीम चैंपियनशिप जीत लिया, तभी डीन एम्ब्रोस ने अपना हील टर्न किया और अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस पर। तो गाइस, फाइनली सेथ रॉलिंस ने बताया कि आखिर डीन एम्ब्रोस ने क्यों अटैक किया उसी रात उन पर। लेकिन गाइस, इससे पहले मैं आप सबको इस वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप के बारे में, इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप के बारे में। तो गाइस, हम सब ने देखा कि ये स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड काफी अच्छा था, क्योंकि इस स्मैकडाउन लाइव में हमें काफी अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिले, जैसे कि मुस्तफा अली वर्सेस डैनियल ब्रायन, इसके अलावा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच एक सिंगल्स मैच, जिसके वजह से इस वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप पिछले स्मैकडाउन लाइव के मुकाबले काफी अच्छा रही है। क्योंकि जहां पिछले वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप थी 1.948 मिलियन व्यूअर्स, तो इस वीक वो बढ़कर हो चुकी है 1.997 मिलियन व्यूअर्स। इसलिए कह सकते हैं कि इस वीक की स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड फैंस को काफी ज्यादा अच्छी लगी। सो गाइस, ये तो थी इस वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप। अब बात कर लेते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। तो गाइस, हम सब ने लगभग एक महीने पहले रॉ के एपिसोड में देखा था कि ड्रू मैकइंटायर, बैरन कॉर्बिन एंड बॉबी लेस्ली ने तीनों मिलकर बहुत बुरी तरह से अटैक किया था ब्रॉन स्ट्रोमन पर, जिसके वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन इंजर्ड हो गए थे और उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। लेकिन गाइस, कल ही ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वो एकदम एक नए लुक में दिख रहे हैं। और गाइस, ये देखकर लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन TLC पेपरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए अब कह सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन हमें TLC पेपरव्यू में बैरन कॉर्बिन के साथ कम्पीट करते हुए जरूर दिखेंगे। सो गाइस, ये तो थी ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न से रिलेटेड एक अपडेट। अब बात कर लेते हैं कि सेथ रॉलिंस ने क्या कहा कि आखिर डीन एम्ब्रोस ने क्यों अटैक किया उन पर। तो गाइस, सेथ रॉलिंस ने कहा इसका डायरेक्ट रीजन है रोमन रेंस के WWE को छोड़ना। सेथ रॉलिंस ने कहा कि जिस रॉ में रोमन रेंस ने यह अनाउंस किया था कि उन्हें ल्यूकेमिया है, उसी रॉ में डीन एम्ब्रोस ने उन पर इसलिए अटैक किया था ताकि उस अटैक का इम्पैक्ट हो सके, और कहा कि अगर अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो वो टाइम एकदम परफेक्ट था, क्योंकि शील्ड पहले से ही उस रात कोलैप्स्ड हो चुकी थी और डीन एम्ब्रोस ने उसी रात इसलिए अटैक किया ताकि सभी लोग उन्हीं के बारे में बात करें और डीन एम्ब्रोस कहला सके हीरो ऑफ द नाइट। सो गाइस, यही सब कहना था सेथ रॉलिंस का डीन एम्ब्रोस के बारे में। इसके अलावा गाइस, आप सब मुझे कॉमेंट कर बताइए कि क्या डीन एम्ब्रोस को उसी रात सेथ रॉलिंस पर अटैक करना सही था जिस रात रोमन रेंस ने अपनी ल्यूकेमिया अनाउंसमेंट की थी। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।